नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। कोरोना वायरस रोकथाम सहित सरकारी योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी ने किया जनप्रतिनिधि कर्मचारियों के साथ बैठक। सिद्धार्थ नगर विकास खंड जोगिया के आदर्श एवं पूर्व विद्यालय जोगिया के प्रांगण में जिलाधिकारी दीपक मीणा के अध्यक्षता में विकास खंड जोगिया में जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा संबोधित करते हुए कहा कि बाहर से स्थायी रूप से रहने वाले के लिए उन्हें लाने की सरकार की तरफ से अभी कोई योजना नहीं है। फंसे लोगों के लिए जिनके खाने पीने की दिक्कत हो, वो लोग कंट्रोल रूम के नंबर पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सिद्धार्थ नगर से रविन कुमार कश्यप की रिपोर्ट। अधिकारी हमसे उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम हर ब्लॉक में जा जाके और सोशल डिस्टेंसिंग और इनका पालन करके हम हर जगह प्रधानों, लेखपाल और सचिवों से बात करें, क्योंकि यही एक आखिरी कड़ी है गांव में। और जिस टाइप से लोग बाहर भी आ रहे हैं, तो इनको सचेत या आगाह किया जाए, इनको जागरूक किया जाए। तो प्रधान और ये सब लोग मेहनत भी कर रहे हैं, सब गाँव में लेखपाल, सचिव, आशा, हमारी सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स। तो वहाँ पे उनको कैसे क्वारंटाइन करना है, कैसे उनके ऊपर निगरानी रखनी है, क्या चीज़ें हैं जो हमें, मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, बार बार हाथ धोना है, इनके बारे में स्प्रे मशीन्स रखे, सैनिटाइजेशन करवाते रहें। 1000 रुपये जो सरकार दे रही है, राशन जो सरकार दे रही है, पोस्टमैन से आप पैसा निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं और जो लोगों को सहूलियत दी जा सकती है। तो इसलिए हमने सोचा कि फेस टू फेस एक बार बात करेंगे, सभी प्रधानों को नोट करवाएंगे, तो लोगों को ज़्यादा राहत भी मिलेगी।